your miracle day. Praise the Lord. खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीजों, मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। हमारा खुदा कुदरत वाला है, वो जिंदा खुदा है और उसके वादे ला तब्दील है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इन आयाम के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद हमें दिया है, और स्पेशली इस सीज़न के लिए जो कि क्रिसमस का सीज़न है। और हम देख रहे हैं कि हर तरफ खुशियाँ और शादमानी हमें दिखाई देती है। लोग मसरूफ़ हैं अपने घरों को डेकोरेट करने में, लोग मसरूफ़ हैं अपने चर्चेस को डेकोरेट करने में, और उन्हें खूबसूरत से खूबसूरत बनाते चले जा रहे हैं। और मैं इस बात के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावन का शुक्र हो इस बात के लिए कि खुदावन ने ऐसा मुमकिन कर दिया कि अब बहुत सारी बातें हम मीडिया के जरिया से, मीडिया के वसीला से सुनते और सीख रहे हैं। और खुदा के कलाम को खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि मीडिया, टीवी के जरिया से, रेडियो के जरिया से, इंटरनेट के जरिया से हम तक खुदावन का कलाम पहुंच रहा है। और आज हम क्रिसमस के तल्लुक से बात करेंगे और जानेंगे हकीकी क्रिसमस के तल्लुक से। तो मेरे अजीज़ों, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपने खुदावंद को मुबारक कहेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे, उसकी तमजीद करते हुए अपने सरों को हमारे साथ मिलकर झुकाइए। हम दुआ करेंगे, खुदावंद के कादम पास्टर एल्वन जॉन दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। खुदावंद कादर मुतलक खुदा, हम तेरे हजूर झुकते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं इस क्रिसमस सीज़न के लिए, और खुदावंद इन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं। खुदावंद तेरा फजल सब पर ठहर जाए और तेरी फेवर सब के साथ हो, ताकि जो बातें खुदावंद तेरे कलाम में से आज हम सीखते हैं, हम उनको अपने दिल में जगह दें और इन बातों पर गौर करें और अमल करें। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे खादिम के लिए, पास्टर शहजाद सदीक के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, और इस चैनल के लिए जिसके ज़रिया से बहुतों तक रिसाई होती है। तेरे शुक्रगुजार हैं, हमें गाइड कर और हमें लीड कर, ताकि हम तेरे कलाम पर गौर करें और बरकत हासिल करें। खुदावंद यीशु के कादर नाम से आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और आज मैं खुदा के खादमीन का तारफ़ करवाता चला जाऊं। और आप बहुत दफ़ा खुदा के लोगों को पहले भी प्रेस टीवी पे सुन चुके हैं, और आज हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर एल्वन, हम आपको वेलकम कहते हैं। Thank और आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज वक्त दिया, ताकि बहुत सारी बातें बाइबल मुकद्दस की जो सच्चाइयां हैं और क्रिसमस के तल्लक से जो पैगाम आज कलीसिया को दिया जाए। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई पास्टर अजहर खोखर साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं, और आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने आज अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और आप हमारे साथ हैं, ताकि खुदा के कलाम को, उसके पैगाम को जो कि क्रिसमस का पैगाम है, आज कलीसिया तक पहुँचाया जाए। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई डॉक्टर अंसर शहजाद, हम आपको भी वेलकम कहते हैं और आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि मैं इमारतों के खुदा आज आपके वसीला से कलामे मुकद्दस की सच्चाइयों को कलीसिया तक पहुंचाने को है। तो मेरे अज़ीज़ो, आज हम बात करेंगे कलामे मुकद्दस में से, जिस तरह के क्रिसमस का सीज़न है और हर तरफ जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चर्चेस के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर, और बहुत सारे स्कूलों के अंदर भी प्रोग्राम जो है क्रिसमस के जो हैं वो किए जा रहे हैं, और लोग मसरूफ़ हैं। मैं समझता हूँ कि आज इन दिनों के अंदर किसी के पास टाइम है ही नहीं है कि कोई दूसरे के पास बैठ जाए। हर शख्स जो है, हर भाई, हर बहन जो है, नौजवान जो है, वो प्रोग्रामों में मसरूफ़ हैं, कोई शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं, कई घरों को डेकोरेट करने में मसरूफ़ हैं, और हर तरफ लोग जो हैं उनकी मसरूफियत, इन आयाम के अंदर लोगों की अमूमन मसरूफियत जो है वो बढ़ जाती हैं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आप खुदा के लोगों के लिए, खुदा के खादमीन आज हमारे साथ हैं। तो पास्टर साहब, आज हम बात करेंगे क्रिसमस के तल्लक से, जिस तरह के क्रिसमस के मुख्तलिफ पैगाम जो हैं वो चर्चेज में खुदा के खादमीन जो हैं वो क्लीसिया तक पहुँचाते हैं। कभी क्रिसमस ट्री के तल्लक से बताया जाता है, कभी स्टार के तल्लक से बताया जाता है, उस तारे के तल्लक से बात की जाती है, या कभी चरवाहों के तल्लक से बात की जाती है, या फिर उन मजूसियों के तल्लक से बात की जाती है, या फिर चरनी के तल्लक से पैगाम दिया जाता है, या फिर यीशु मसीह
مسیح کے دنیا میں آنے کے تعلق سے یہ پیغام دیا جاتا ہے. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہم آج بات کریں گے ان چرواہوں کے تعلق سے, ان غلہ بان وہ لوگ جو غلہ بان تھے ان کے تعلق سے بات کریں گے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیم خدمت ہمارے پاس بھی ہے. ہم غلہ بان ہیں, بھیڑوں کے رکھوالے ہیں, بھیڑوں کو کیئر کرنے والے ہیں, اور آج میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آج لوگوں تک پہنچے. تو آئیں میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس کو کھولیے اور ہم دیکھیں گے لوکا اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت سے کلام مقدس کو میں پڑھنا شروع کروں گا, اور یہاں سے آج اس حوالے پر جو ہم تلاوت کریں گے اس پر آج ہم بات کریں گے. کلام مقدس میں یہ لکھا ہے, جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا, اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی, اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا, مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی, اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. خدا کے کلام کے لیے خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. پاسٹر صاحب, آج ہم بات کریں گے چرواہوں کے تعلق سے جی, اور بات کریں گے اس پیغام کے تعلق سے جو چرواہوں کو دیا گیا تھا. کلام مقدس میں لکھا ہے, جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداون نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. دیکھیں, اب یہ پیغام سننے کے بعد ان کے اندر نہ ایک شوق سا پیدا ہوا ہے, ویسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر ایک تجسس ہے کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اور فرشتوں نے بتایا ہے کیوں نہ ہم جا کر اس کو دیکھیں. اور ہم آج اس بات پر غور کریں گے کہ ہم میں سے ہر ایک اس پیغام کو سنتا ہے, اور بہت سارے اس پیغام کو بھی سنتے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے, یسوع مسیح جلد آنے والا ہے, لیکن ہم پیغام کو سن کر اس کو انسنی کر دیتے ہیں, کبھی ہم نے غور کیا ہی نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جس طرح یہ چرواہے جو کہ اپنے غلہ کی نگاہ بانی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے اس کام کو چھوڑا جس کو وہ کر رہے تھے, لیکن وہ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے اس خبر کو جو انہیں دی گئی تھی اس کو سن کر یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے وہ چلے گئے ہیں. ہم سن کر انسنی کر دیتے ہیں. تو آج کرسمس کا حقیقی مطلب میں چاہتا ہوں اس پیغام کے تعلق سے لوگوں کو بتائیں کہ حقیقی کرسمس کیا ہے, کہ جو پیغام سن کر یسوع مسیح کو سجدہ کرنے جائے حقیقت میں کرسمس اس کا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آمین. تھینک یو سو مچ پاسٹر شہزاد صاحب, اور پریز ٹی وی کے تمام ویورز کے لیے یہ بڑا قیمتی موقع ہے, یہ اچھا ہے, کرسمس سیزن ہے, کرسمس کے دن ہیں. فرشتہ پہلے یہاں پر سیکوس باغ میں ہمیں نظر آتا ہے, ایک فرشتہ ہے جس نے بڑی زبردست آٹھویں آیت میں خوشخبری کا پیغام دیا. بالکل ٹھیک. اور یہ فرشتہ جو ہے یہ اس لیے کہتا ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں, بشارت دیتا ہوں, کیونکہ تقریباً 400 سال تک آسمان سے کوئی فرشتہ زمین پر انسانوں کے لیے میسج لے کر نہیں آیا. فرشتہ آیا, اس کے بعد فرشتے آئے ہیں. تو یہاں جو پیسے شروع ہوتا ہے کہ فرشتوں کے جانے کے بعد, تو یہ جو فرشتے آئے ہیں یہ وہی ہیں جو آسمان پر ہر وقت قدوس 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 کہتے رہتے ہیں. تو جب آسمان پر جس کے سامنے, جس کے تخت کے سامنے ہر وقت یہ قدوس 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 کہتے ہیں, جب وہ نیچے میرے اور آپ کے لیے آ گیا, پریز ٹی وی کے ویور جو اس وقت سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے وہ آ گیا, تو یہ کوائر جو اوپر تھی وہ زمین پر آ گئی, وہ اس کی تمجید کرتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ نجات دہندہ نیچے آ گیا. اب چرواہوں کو جب یہ میسج ملا,
तो उनका हमने यहाँ पे देखना है कि रिएक्शन क्या है. हम ये सुनते हैं कि बहुत मर्तबा कलाम सुनाया जाता है चर्चेस में, क्रूसेड्स में, बहुत से लोग सुनते हैं. इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है. अब ये अपने मालमता के साथ हैं, इलाके से बाहर हैं, जब इन तक ये मैसेज पहुंचा है फरिश्तों के वसीला से, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आती है वो यही है कि उन्होंने सबसे पहले आपस में मशवरा किया, आपस में गुफ्तगू की है. बिल्कुल ठीक है, बात करते दिखाई देते हैं यहाँ पे. अब यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्च जाते हैं, दे आर जस्ट साइलेंट क्रिश्चियंस, आपस में बात नहीं करते. आप क्रूसेड पे कलाम सुनाते हैं, ज़बरदस्त कलाम सुना, आपस में बात नहीं करते कि हम कन्फर्म करें. इन लोगों ने आपस में बात की है, और जब गुफ्तगू होती है, कम्युनिकेशन होती है, बात फिर आगे बढ़ती है. और फिर आगे बात ये बढ़ी है कि उन्होंने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम को चलें. जब ये बैतलहम गए हैं, तो इससे पहले उन्होंने ये कहा, ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें. जब बात करेंगे फिर देखने की बात आ जाएगी. इन्होंने आपस में मशवरा किया है कि लेट्स गो एंड सी विद आवर ओन आइज. आमीन, आमीन. किसी ने यह कहा है कि सीइंग इज बिलीविंग, कि जब आप देखते हैं तो आपके अंदर ईमान बढ़ता है. तो जो खबर इन तक पहुंची थी उनकी बाबत इन्होंने आपस में मशवरा किया, बात की, और देखने के लिए ये यरूशलम पहुंच जाते हैं. सो हम यहाँ पर अजीजों ये देखते हैं कि इसके बाद लिखा है, पास उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चर्री में पड़ा पाया. जो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे इन चरवाहों का रिएक्शन है, पहले गुफ्तगू की, फिर उन्होंने कहा कि हम जाते हैं, और फिर जाकर उन्होंने देखा. आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कोशिश नहीं करते, सुन तो लेते हैं लेकिन यीशु को देखने की कोशिश नहीं करते. यीशु ने ये कहा था कि जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा. आमीन, आमीन. पुराने अहदनामा में तो हमें पता है कि लिखा है कि कोई बशर खुदा को देखकर देख नहीं जिंदा सकता. आमीन. नहीं रह सकता. लेकिन यीशु कहता है कि जिसने मुझे देखा बाप को देखा, उसने बाप को देखा. तो ये हमारे लिए ये बड़ी प्रिविलेज है कि चरवाहों का जो मैसेज है, हम इस पर गौर करें कि चरवाहों ने क्या किया. वो मैदान में थे, बाहर थे, वो अंदर आ गए. आज अगर हम बाहर रहेंगे, दूर रहेंगे, मैसेज को सुनकर अमल नहीं करेंगे, देखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हम बैतलहम नहीं पहुंचेंगे, फिर हम मैदानों में ही रह जाएंगे. सो खुदा का फरिश्ता जब मैसेज देता है, फरिश्तों ने तमजीद की है, चरवाहों का रिएक्शन यहाँ पर हमें एक खूबसूरत नज़र आता है. और फिर इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, लिखा है 17वीं आयत में, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की. आज प्रेज टीवी के व्यूअर्स ने, कलीसियाओं ने ना सिर्फ यीशु की बातों को सुनना है, देखना भी है, जल्दी भी करनी है, और एक और चौथा काम करना है, मशहूर करना है. गवाही देनी है जी. आज हम बहुत सी बातें, नेगेटिव बातें, पास्टर साहबान के तलक से, कलीसियाओं के तलक से, मुलक के तलक से, हमसायों के तलक से बड़ी बातें मशहूर कर देते हैं. चरवाहों ने वो बात जो यीशु के बारे में कही गई थी वो बात मशहूर की. सो मैं समझता हूँ कि चरवाहों का ये जो खूबसूरत अमल है, हम सब मसीही होने के नाते यीशु की बात को मशहूर करें. आमीन. यीशु 2000 साल पहले मेरा और आप सब का निजात दहिंदा बनकर आया, और अभी भी बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो अभी भी ये कहते हैं कि जी हमें तो नहीं हमें पता, पता कि यीशु कौन है. तो चरवाहों से हम सीखें, क्रिसमस के मौका पर चरवाहों से सीखें
जो मैसेजेस आप प्रेस टीवी पर सुनते हैं, अपने चर्चेज में सुनते हैं, जो खुदा के खादम प्रीच करते हैं, उन बातों को मशहूर करें, हम सायों तक ले जाएं, महलों तक ले जाएं, इलाकों तक ले जाएं, चरवाहे वो बात मशहूर करते हैं। और आखिरी बात जो साथ ही मैं लिंक करना चाहूँगा, मुकस्सा मरियम से भी सीखें। मुकस्सा मरियम के ताल्लुक से यहाँ पर लिखा है 19वीं आयत में, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर सोच गौर करती रही। हमने भी गौर करना है। हम कभी गौर करती नहीं। प्रॉब्लम हमारी पास सब ये है कि सुन लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं चाहते। हम सोचना नहीं चाहते, गौर नहीं करना चाहते, हम अपने जहन को या अपनी सोच को उस तरफ लाना नहीं चाहते। ये मसला ऐसे ही है ना कि जैसे सुपरफेशियल होता है, जैसे हमारी बॉडी में 3 लेयर्स हैं, तो पहली जो लेयर है इसको हम सुपरफेशियल कह देते हैं, जो सामने हमें नज़र आती है। जब कलाम सुनाया जाता है, खादम सुनाते हैं, वो मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर जाके मैसेज डिलीवर करते हैं, तो सिर्फ सुपरफेशियल, ऊपर ऊपर से। इसी तरह से फिर सुपरफेशियल क्रिश्चियन बन जाते हैं, डीप नहीं होता। तो मुकस्सा मरियम से हमने सीखना है कि वो इन बातों के ताल्लुक से अपने दिल में बातें रख के गौर करती रही। आज क्रिसमस के मौका पर हमने अपने निजात दहिंदा के बारे में, उन बातों के बारे में, उन पेशन गोइयों नबूतों के बारे में गौर करना है, ताकि ये सीज़न, ये क्रिसमस हमारे लिए एक मुख्तलिफ और ज़बरदस्त हो और लाइफ चेंजिंग क्रिसमस हो। और पिछले क्रिसमस जितने मनाए हैं उनसे थोड़ा ये डिफरेंट हो, डिफरेंट होना चाहिए, उनसे डिफरेंट होना चाहिए। आप पिछले क्रिसमस जितने आपने मनाए हैं, क्रिशिया से ये कहना चाहता हूँ, बड़ा खूबसूरत पैगाम है जो आज आप लोगों के लिए है। हो सकता है आपकी उम्र 50 साल है और कई क्रिसमस खुदा ने आपकी ज़िंदगी में दिए हैं जो आप ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन इसमें फ़र्क होना चाहिए। हो सकता है आप कई सालों से यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, आप चर्च रेगुलर चर्च जाने वाले हैं, रेगुलर आप इबादत को अटेंड करने वाले हैं, आप ओपन एयर मीटिंग्स में जाने वाले होंगे, आप रोज़ प्रेस टीवी देखने वाले होंगे, या आप प्रेस टीवी को तो ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है, कई सालों से आप दूसरे चैनल्स को देखते हैं और खुशखबरी की बातें सुनते हैं, लेकिन कभी आपने उन बातों को सुनकर कभी सोचा ही नहीं है कि क्या मैंने हकीकी तौर पर इन गल्लाबानों की तरह, गडरियों की तरह मैंने अपने कामों को छोड़ा, क्या कभी मैं राइट तौर पर कभी चर्च गया हूँ, क्या कभी मैंने यीशु मसीह को सजदा किया है। अगर आज तक मेरे भाई ऐसा नहीं किया, तो ये क्रिसमस जो है ये पैगाम आज आपके लिए है। आप आज इन बातों को सोचें, कलाम की इन बातों पर आज गौर कीजिए, ताकि आप हकीकी तौर पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हों। और जब आप हकीकी तौर पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले होंगे, तो ये एक्चुअली गडरिये जो थे, ये हकीकी तौर पर क्रिसमस सेलिब्रेट इन्होंने किया था। बिल्कुल इन्होंने किया था, और सिर्फ खाली लोगों के साथ नहीं बल्कि आसमानी मखलूक के साथ मिलकर इन्होंने सेलिब्रेट किया था। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि आपका हकीकी क्रिसमस तब है जब आपने दिल से यीशु मसीह को कबूल कर लिया, क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि जब कोई इंसान ज़मीन पर तौबा करता है, यीशु को कबूल करता है, तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो हकीकत में तो क्रिसमस ये है कि आप भी खुश हों और आसमानी मखलूक भी आसमान पर खुश हो। तो यहाँ पर आज बड़ी खूबसूरत बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद पास्टर अजहर खोकर साहब के पास चलेंगे और इनसे आज बात करेंगे। कि पास्टर साहब, मैं ब्रेक से पहले ये बात आपके साथ शेयर करता चला जाऊँ, फरिश्ते तो आए गडरियों के पास, क्योंकि गडरिये अमूमन जो हैं, गडरिये जो गल्लाबान वाले लोग हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ये पढ़े लिखे लोग नहीं होते अमूमन जो देखा गया है। और आज भी फलस्तीन के अंदर जो जितने गडरिये या गल्लाबान हैं, वो जो बिल्कुल जो रद्द किए हुए और जो बिल्कुल जो नॉर्मल सी लाइफ लोग हैं, उनको ये काम दिया जाता है। तो आज हम बात हमने ये करनी है कि ये सादा सादा से लोग और बिल्कुल ज़माने से लग थलग रहने वाले लोग थे, लेकिन दूसरी तरफ एक और पैगाम पढ़े लिखे और अमीर तबके को दिया गया, और वो क्या था, सितारे के जरिए। आज मैं चाहता हूँ कि कलीसिया तक आप ये चीज़
ये बात पहुंचाएंगे कि यीशु मसीह हर छोटे से छोटे शख्स के लिए और हर बड़े से बड़े, अमीर से अमीर और जो गरीब से गरीब तर है, यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो ये खुशखबरी का पैगाम सब लोगों के लिए। लेकिन यहां पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आज इस खुशखबरी के तलक से सुनेंगे। कहीं जाइएगा मत, इस ब्रेक के बाद बड़ी खूबसूरत बातें आप सुनने वाले हैं। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन। Your Miracle Day. Your Miracle Day. वेलकम बैक। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि आज बहुत सारी खूबसूरत बातें आप सुन रहे और सीख रहे हैं। जी पास्टर जी साहब, बड़ी खूबसूरत आज बात जो आप करने वाले हैं, जो मैंने आपके साथ बात की है कि खुदावंद यीशु मसीह सारी कायनात के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी थैंक यू सो मच पास्टर साहब। जैसे कि आप ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे गडरियों के हवाला से और मजूसियों के हवाला से, तो इसमें मैं कुछ चीज़ों को क्लियर भी करना चाहता हूँ जी प्लीज़, जो खसूसन क्रिसमस के मौका पर कुछ गलत फहमियाँ भी हैं जो ट्रेडिशनली चलती आ रही हैं। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं गडरियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम जब ड्रामास देखते हैं या प्लेस देखते हैं क्रिसमस के, तो वो देखते हैं कि सराय में जगह ना थी और एक अस्तबल में जो है वो खुदा यीशु मसीह की बर्थ जो है वो हुई। हालांकि ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर आयत मुकद्दस में बता रही है कि सराय में उनके लिए जगह ना थी, और यहाँ पर वो जो बात है वो स्टॉप है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो उसी सराय के अस्तबल में खुदा यीशु मसीह की जो बर्थ है वो हुई। वंडरफुल। इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा मीका की के सहीफा में से, जिस तरह खुदा यीशु मसीह की तमाम तर ज़िंदगी जो है वो पहले से तय थी और बाइबल मुकद्दस में हमें उसके तमाम तर बातों से आगाह किया जाता है। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का शहर और पैदाइश की जगह भी जो है वो मीका नबी की मार्फत हमें बताई गई। जी मीका, जी जी मीका चौथा बाब उसकी आठवीं आयत की हम तलावत करेंगे और फिर उसके बाद पाँचवें बाब की दूसरी आयत की भी। जी बिल्कुल। पहले नंबर पे मैं पांचवें बाब की दूसरी आयत मुबारक को तलावत करना चाहूंगा। लेकिन आए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक सरदार निकलेगा और वह मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा और उसका मस्तर जमाने साबक हां और कदीम अल-याम से है। आमीन। ये वो आयत मुबारक है जब आपको याद होगा कि मजूसी जो है वो हेरोदीस के पास आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो शरा के आलमों को बुलाकर ये रेफरेंस उन्होंने कोट किया और बताया कि मसीह की जो पैदाइश है वो बैतलहम में होनी चाहिए। दूसरा आप देखें कि जब मुकस्सा मरियम को कहा कि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तो उसने फौरी क्वेश्चन किया मुकस्सा मरियम ने कि ये कैसे होगा। लेकिन गडरियों को जब कहा गया कि तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। अब बैतलहम एक बहुत बड़ी बड़ी जगह थी, बेशुमार चरनियां वहां पर होंगी, लेकिन गिडरियों ने क्वेश्चन नहीं किया। क्योंकि जब हम चौथा बाब उसकी आठवीं आयत में पढ़ते हैं मीका की, तो लिखा है आए गल्ला की दीदगा, आए बिनते सेयोन की पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है कदीम सल्तनत यानी दुख्तरे यरूशलेम की बादशाही तुझे मिले। इसी तरह से जब हम पैदाइश की किताब में जाएं, तो हमें हजरत मुकद्दस जो याकूब हैं, पैदाइश जी मुकद्दस याकूब के बारे में हमें पता चलता है कि जब राहल जो थी वो बिन्यामीन की को जन्म देने को थी, तो वहाँ हमें नज़र आता है कि उनकी जो डेथ है
پیدائش 35 باب اور اس کی 19 آیت, ڈیتھ ہوئی اور لکھا ہے اور راہل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن ہوئی اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا. راہل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے اور اسرائیل یعنی مقدس یعقوب آگے بڑھا اور ادر کے برج کے پرلی طرف اپنا ڈیرہ لگایا. جی عبرانی زبان میں دونوں جگہوں پر جو ہم نے میکا کا حوالہ پڑھا اور یہاں پڑھا مگدل ادر کا ورڈ استعمال ہوا ہے. جی بالکل واچ ٹاور کا یہ کیسی جگہ تھی جہاں پر بیت لحم سے تھوڑا سائڈ پر جہاں پر ایک برج بنایا گیا تھا اور وہاں سے مونیٹرنگ کی جاتی تھی گلہ کی. چرواہے جو تھے اس گلہ کو مونیٹر کیا اس برج پر برج پر جا کے اونچی جگہ پر سے آپ چیزوں کو مونیٹر کر سکتے تھے. چوکی ٹائپ چوکی ہم اسے چوکی کہہ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی جی اور وہاں پر جو تھا یہ حوالہ ہمیں بالکل اس کے ساتھ ہم ٹیلی اس کو کر رہے ہیں. تو میکا نبی کی معرفت خدا نے بتا دیا تھا کہ بیت لحم کی کون سی ایسی جگہ پر خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا ہونا لازم ہے. تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بھیڑ بکریوں کی افزائش کی جاتی تھی اور ہیرودس کے زمانہ میں ہیکل نے ٹیمپل نے اس جگہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا کیونکہ ہیکل میں ڈیلی بیسس پر قربانیاں کی جاتی تھیں. اگر کوئی بھی شخص اپنی خطا اور گناہ کی قربانی کے لیے نہیں بھی آ رہا تو بھی ہیکل میں ایک سال میں 700 سے زیادہ قربانیاں دینی ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ انہیں وہ تعداد بروں کی چاہیے ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو لوگ بروں کو لانے کے لیے خطا یا گناہ کی قربانی کے لیے آتے تھے شوقتنی قربانی کے پوائنٹ وہ سارے کے سارے جو برے تھے وہ مگدل ادر سے لیے جاتے اور ہیکل نے مگدل ادر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. اس لیے وہاں پر جو تھے لوگ وہ اپوائنٹ کیے جاتے تھے ہیکل کی جانب سے جو باقاعدہ طور پر شرعی ضوابط میں رہتے ہوئے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے اور باقاعدہ طور پر ہیکل سے ٹرین جو لوگ تھے وہ وہاں پر اپوائنٹ کیے جاتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جب برا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے چھلانگے لگاتا ہے اور اپنے آپ کو زخمی کرنے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں اور ایسا برا جو ہے وہ قربانی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے. اسی لیے اس وقت کیا کیا جاتا تھا کہ ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ جیسے ہی جنم دیا جائے برے کو اس کو ریپ کر دیا جائے اور وہاں پر چرنیاں تھیں جہاں پر ان کو وہ رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وہ جب تک سٹیبل نہیں ہوتا تب تک وہ وہاں پر رہے. اور یہودی عالمین بھی جو ہیں ان کی بہت ساری کتب اس بات پہ موجود ہیں کہ یہ واقعہ ایسے اور ہسٹری میں اس کو باقاعدہ طور پہ درج کیا گیا ہے. اب چونکہ لکھا ہے کہ سرائے میں جگہ نہ تھی اور اس کے بعد وہ سٹاپ ہے اور مختلف مفکر جو ہیں اس بات پر ان کی متفقہ رائے ہے کہ شاید وہ مگدل ادر کا ایریا تھا جہاں پر مسیح کے والدین کو دنیاوی والدین کو وہاں پر جانا پڑا اور وہاں پر جا کر جو ہے انہوں نے پناہ لی اور وہاں پر خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے. اور ان کا چرنی میں پیدا ہونا ان کی غربت کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ ان کے برے ہونے کو ظاہر کرتا ہے. تو اسی طرح ستاروں کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں موسٹلی کانسیپٹ یہ ہے کہ تین مجوسی ہے جبکہ بائبل بتاتی ہے کہ کئی جی. دوسری بات ہم سمجھتے ہیں کہ اسی رات میں چرواہے پہنچ گئے اور اسی رات میں جو ہے وہ مجوسی ہم ڈراموں اور پلیز میں پہنچے جو پلے کیے جاتے ہیں جو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جبکہ متی کے انجیل میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ ہیرودیس کے پاس جب مجوسی آئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ستارہ تمہیں کب دکھائی دیا تھا. اس کے بعد ان کا آنسر نہیں بتایا گیا اس آیت میں. وہاں پہ بائبل خاموش ہے. ہیرودیس کو وہ بات سمجھ میں آ گئی مجوسی نے اسے آنسر کر دیا کہ وہ ستارہ ہمیں کب دکھائی دے دیا گیا تھا. اور پھر اگلی ہی چند سطروں کے بعد لکھا ہے کہ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسی نے ان کے ساتھ ہنسی کی تو پھر اس نے وہ تفتیش کی اور پھر اسے یاد آیا کہ کس حساب سے جو ہے مجوسیوں نے انہیں بتایا تھا اور اس لیے اس نے سوا ماہ کے بچے 10 دن کے بچے 15 دن کے بچے نہیں مروا دیا. دو سال سے کم کم دو سال سے کم بچوں کو یہاں پہ ٹائم پیریڈ تو واضح ہو رہا ہے کہ کتنا وہ ٹائم ہوگا اس میں. ایگزیکٹلی تقریباً اس کا مطلب یہ ہے کہ مجوسیوں نے جو ستارہ دیکھا اور ہیرودس تک پہنچنے کا جو ٹائم تھا وہ 1.5 سے 2 سال کے درمیان تھا. بالکل ٹھیک. اسی لیے جو ہے وہ کیا گیا. اس میں اگلی بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ستارے نے پراپر ان کی رہنمائی کی ہے ایسا نہیں ہے. ستارہ انہیں پورب میں دکھائی دیا اس کے بعد اس نے رہنمائی نہیں کی اور پھر جب وہ ہیرودیس کے پاس سے باہر نکلے ہیں پھر وہاں جا کر جو ہے وہ ستارے نے رہنمائی کرنا شروع کی. اور آپ دیکھیں کہ چاہے گڈریے ہوں
या मजूसी हों जो आला हैसियत रखते हैं, खुदा दोनों के लिए यकसा तौर पर आया आमें, आमें। और उसने इस गैप को ख़त्म किया कि जो कोई मुझे कबूल करता है खा वो अमीर है खा गरीब है, मेरी बादशाही में उसका जो लेवल है वो सेम है, वो सेम है। इसीलिए हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो कोई मसीह को कबूल कर लेता है, चाहे वो शहाना तौर पर है, चाहे वो गरीब और पसमानदा इलाकों से या पसमानदा जगह से या पसमानदा प्रोफेशन से है, यीशु उसके लिए सेम है। और ये हम सब के लिए बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि वो सबके लिए अपनी बाहों को खोलता है, वो किसी के लिए फ़र्क नहीं रखता। और ये इसमें हम ज़मीन पर रहते हुए हमारे टाइटल्स हैं, लेकिन मसीह के पास कोई बिशप, कोई पास्टर, कोई सीनियर पास्टर नहीं, कोई कलीसिया नहीं, बल्कि सारे के सारे उसके बिलीवर्स हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, और वो सब को सेम बरकात से नवाजता है। और खुदावन का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि नजात जो है वो हर अमीर और गरीब के लिए यकसा है, और वो सिर्फ मसीहियों तक नहीं है। यूहन्ना के खत में लिखा है कि वो कुल जहान का कफारा है, हमारा नहीं बल्कि कुल जहान का कफारा है। जितने लोग पूरी दुनिया में इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो हमारा मुनजी है वो सिर्फ और सिर्फ मसीहियों का मुनजी नहीं है बल्कि कुल जहान का मुनजी है। इसीलिए यूहन्ना ने उसे देखते हुए कहा कि ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता। और कफारे का मतलब होता कवर करना, लेकिन ही हैज टेकन अवे Our sins. उसने हमेशा के लिए हमारे गुनाहों को उठा लिया। निजात का पैगाम गरीब और अमीर दोनों के लिए यकसा है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत। वंडरफुल, बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत बातें। और पाशा जिस तरह आपने लास्ट पे कहा है कि निजात पाने वाले खुदा की नज़र में सब बराबर हैं, और यीशु मसीह ने इसकी तस्दीक कैसे की है, उसने कहा कि मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर हम अकॉर्डिंग टू बाइबल देखते हैं तो आसमान पर सिर्फ दो जगह हैं, एक उनके लिए जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बादशाह है, कोई फकीर है। अगर वो निजात याफ्ता है तो उसके लिए वो एक ही जगह जो यीशु मसीह ने मुकर्रर की है उसके लिए वही, और सब उसी जगह पर जाएंगे। लेकिन दूसरी जगह उनके लिए है जो आज भी यीशु मसीह से दूर हैं। बड़ी खूबसूरत बातें आपने कही हैं कि जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई बादशाह है, कोई गडरिया है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई PhD है, लेकिन अगर यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में है तो उन सब का आसमान पर एक ही मकान है। वंडरफुल, वंडरफुल जी। इनके साथ हमारे प्यारे भाई डॉक्टर अंसर शहजाद बात करेंगे, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। आमीन। बड़ा खूबसूरत ये रेफरेंस है जो आज हमने लिया है कि मरियम उन बातों को गौर करती रही, दिल में रखकर। हम आज बातें बाइबल मुकद्दस की सुनते हैं, इतना खूबसूरत पैगाम पास्टर अजहर साहब ने दिया है, इतनी खूबसूरत बातें पास्टर एलन साहब ने की हैं, और बहुत खूबसूरत बातें खुदा आपके वसीला से भी करने को है। लेकिन मैं ये मान रखता हूं कि आज बहुत सारे लोग इन बातों को सुनकर, मैं कब समय आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो वो शेक हो गई हैं, बहुत सारे लोगों ने आज बहुत चीजें उनके जहन में जो क्लियर हुई हैं, कई चीजों जो शुरू से कंसेप्ट चलते आ रहे हैं, आज बहुत सारा चीजें उन्हें फर्क दिखाई दी हैं इन बातों के बाद। और ये कलाम की सच्चाइयां हैं मेरे जीजो, और जो आप बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब, कि मरियम गौर करती रही इन बातों पर, और फिर आगे वो लोग जो यीशु मसीह की बात को सुनकर आए थे, जो फरिश्तों ने पैगाम दिया था कि तुम्हारे लिए बैतलहम में एक मुनजी है, और उन्होंने यीशु मसीह को देखा है, और देखने के बाद उन्होंने किया क्या है। हमें इस वर्स के लास्ट में ये बात मिलती है कि उन्होंने किया क्या है। वो चुप करके देखकर चुप कर नहीं लौटे, वो खामोश लौटे नहीं है, बल्कि लिखा है वो तमजीद और हम्द करते हुए लौटे हैं।
यीशु को देखने के बाद वो चुप नहीं रहे, बल्कि वो तमजीद करना शुरू हो गए, वो हमद करना शुरू हो गए। आज हम क्रिसमस तो सेलिब्रेट करते हैं, कभी 25 दिसंबर के बाद आप लोगों ने यीशु मसीह की बात की है, कभी हमद की है, कभी हमद के गीत गाए हैं, कभी शुक्रगुजारी की है? मैं चाहता हूं कि आज ये पैगाम आज लोगों तक पहुंचे कि हमें यीशु को देखने के बाद चुप नहीं रहना। कलाम में लिखा है अगर ये चुप कर जाएंगे तो पत्थर चला उठेंगे। आमीन। तो हमें उसकी गवाही देनी है। मैं चाहता हूं आज ये पैगाम आज लोगों तक पहुंचे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर शहजाद सदीक साहब। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो इसमें जो खास मैं समझता हूँ कि तीन बातें जिन पर हम बड़ी तवज्जो दे सकते हैं मुख्तसरन। पहली बात, खुदा का ग्रेस एंड फेवर, नंबर वन। नंबर टू, सबमिसिवनेस। एंड नंबर थ्री, एवेंजेलिज्म। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात जो ग्रेस एंड फेवर है, मसीह की पैदाइश में ओवरऑल अगर आप गौर करें तो ग्रेस एंड फेवर जो है वो अपने उरूज पे नजर आता है। आमीन, आमीन। स्पिरिट ऑफ फेवर, खुदा का फजल। आप देखें कि मरियम के पास उस दौर में, जबकि 400 साल पेशतर से आसमान ही बंद है, एक पैगाम आ रहा है जबकि आप पूरे तौर पे खामोश है, आसमान खामोश है, आप मायूस हैं, हालात मुकम्मल तौर पे जो है वो तब्दीली की तरफ जाते हुए इशारा नहीं करते कोई। और एक खातून के पास आके फरिश्ता ये कह रहा है, 400 साल के बाद जी एक फरिश्ता जमीन पे आया, सलाम तुझको जिस पर फजल हो। हाँ, हालेलुया। फर्स्ट मैसेज, पीस एंड ग्रेस। लॉ की बात नहीं की जा रही, इसलिए नहीं की जा रही कि जिस शख्स की पैदाइश की बात हो रही है वो तो आया ही शरीयत को पूरा करने के लिए। उसने स्लीप पे आके तमाम जहान के गुनाहों का कफारा देकर शरीयत को पूरा कर दिया और हमें फिर से रास्तबाज बना दिया। रोमियो के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करता है, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनेगार ही थे मसीह हमारी खातर मुआ, लेकिन जब हम मायूस थे तो मसीह का पीस एंड ग्रेस भरा पैगाम हम तक पहुंचा। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें। अगर आप क्रिसमस के मौका पे भी पीस और ग्रेस के इस मैसेज को अंडरस्टैंड करने और अपनी जिंदगी में लेने में नाकाम है तो देयर इज नो क्रिसमस फॉर यू। आपको इस बात को जो है वो ईमानदार के तौर पर, ईमानदारों के पास पीस और ग्रेस का पैगाम पहुंचा है। मरियम के पास, मरियम ईमानदारों के ग्रुप को पेश करती है जो खुदा के हजूर में है, मौजूद है, और उनके पास ग्रेस और पीस की बात, क्योंकि वो ऑलरेडी खुदा को फॉलो कर रहे हैं। उनके पास जो पैगाम पहुंचा है वो यही पहुंचा है कि आप पे खुदा की सलामती और फजल हो चुका है, अब तुम्हारे लिए शरीयत को फॉलो करना और पूरा करना और खुदा के साथ मेल मिलाप के बारे में सोचना नामुमकिन नहीं रहा। रिकंसिलिएशन हो चुकी है। दूसरी चीज, सबमिसिवनेस हमें नजर आती है। चरवाहों को देखिए, अभी पास्टर अजहर साहब मकदर अदल की बात कर रहे थे, उस खास एरिए की बात कर रहे थे जहाँ पे चरवाहे जो थे वो बर्रों को चराया करते थे और नौजायदा जो बच्चे थे, बर्रे जो होते थे भेड़ों के, उनको कपड़े में लपेट कर उन मेंजर्स या चरनियाँ जो थीं उनमें रखा जाता था। तो वहाँ से लेके उस सराय तक का जो फासला है, बड़े मारूफ थियोलॉजियन डेविड शिबली कहते हैं कि ये तकरीबन 6 मील का फासला बनता है। अब ये जो 6 मील का फासला है ये बड़ा अहम है। इत्तफाक से हेरोदीस के जो महल से उस जगह का फासला है वो भी 6 मील का है। इससे भी बढ़कर जो हमें नजर आता है मजूसियों के बारे में, बाज महक्कीन का ख्याल यह है कि उन्होंने कम अज कम 1500 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय किया। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, बात है सबमिसिवनेस की। कोई शख्स जो है वो 1500 से जायद किलोमीटर का फासला तय करके सितारे का निशान देखकर और अपने इल्म का फायदा उठाकर खुदा की निजात, खुदा के दीदार तक जा रहा है।
क्या बात। कोई शख्स जो है वो 6 मील के महल से निकलकर अगर कुछ कर रहा है तो कत्लो गारत कर रहा है, और उसे ये भी पता नहीं है कि जो वो कर रहा है वो कलाम को पूरा कर रहा है। राखल अपने बच्चों को रो रहे, रोना और बड़ा मातम, रामा में रोने की आवाज सुनाई देती है। राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती क्योंकि वो नहीं है। ये जो बात कही गई ये वो नबूवती अल्फाज हैं जो उस वक्त पूरे किए गए। और अगर यहां पे हम आगे आके देखें तो चरवाहों की समिसिवनेस हमें नजर आती है। जब आपकी जिंदगी में इल्म है, ये दुतकारा हुए लोग थे असल में, मिस्री लोग जो थे ना, ये मिस्री चरवाहे जो थे, मिस्री कल्चर में चरवाहों की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन इसराइली कल्चर में चरवाहों को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। सो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे दोनों तबके, चाहे उनकी इज्जत है चाहे उनकी इज्जत नहीं है, चाहे उनका प्रोफेशन सोसाइटी में काबिले कबूल है या मुआशरा उनको कबूल नहीं कर रहा, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, देखें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हेरोदीस, अगर आप रवायतों का हिसाब लगाएं तो बेसिक जो क्वालिफिकेशन थी उस पोजीशन पे बैठने के लिए शाही दस्तूर के मुताबिक उसने उन तमाम उलूम को हासिल किया था, इल्मुल अदाद से वो वाकिफ था, वो तमाम जो है वो पॉलिटिकल जो इंट्रैक्शंस थे उनसे मुतल्लिका उलूम से वाकिफ था। तो मुआशरती फलाहो बहबूद से मुतल्लिक और मुख्तलफ सल्तनतों के साथ जो अमूरे खारजा जो थे उनके तमाम उलूम से वो पूरी तरह से वाकिफ। अब यहां पे देखना, ये एक पढ़ा लिखा तबका अपने इल्म से भरपूर फायदा उठाकर 1500 से जायद किलोमीटर का फासला तय करके उस एनकाउंटर के लिए मौजूद है जो खुदा उन पर जाहिर कर रहा है। उनके पास कोई फरिश्ते नहीं आए, चरवाहों की तरह उन्होंने किसी क्वायर को नहीं सुना, उन्होंने सिर्फ अपने इल्म से हिसाब लगाया है। और जो सितारों के उलूम हैं उनके हवाले से मौजूदा तारीखी कुतब हमें इस बात की वजाहत करती हैं कि अब तक तारीख में एक ही बार सितारों की जो काटो पलट के हवाले से अगर देखा जाए तो एक ही बार जोहल और मुश्तरी जो बड़े सितारे हैं, एक ही बार रास मंडल जिसको सितारों का आप सिस्टम कहते हैं उसमें एक ही बार दाखिल हुए हैं। जब कोई दो बड़े सितारे एक ही वक्त में सितारों के उस रास मंडल में दाखिल हूँ तो ये जो सितारों का इल्म के माहिर लोग हैं वो ये कहते हैं कि उससे पूरी दुनिया जो है वो मुतासर होती है। कोई बड़ा इंतहाई बड़ा वाक्या रूनमा होता है और सितारों के उलूम से मुतलका जो कुतब है वो इस बात की वजाहत करते हैं कि अब तक तारीख में एक ही बार सितारों के रास मंडल में जोहल और मुश्तरी एक ही बार दाखिल हुए, और ये वही मौका था जब मजूसियों ने इस बात को देखा। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। और इसी से हम अंदाजा करते हैं कि उन्होंने 1500 से ज़ायद किलोमीटर का फासला तय किया अपने इल्म को हिसाब लगाकर उसका फायदा उठाया। दूसरी तरफ एक शख्स है उसने उसी इल्म का फायदा उठाने के बजाय, उस तक खबर पहुंच गई, मुनादी हो गई उस तक, लेकिन उसके इल्म ने उसको बेअक्ल कर दिया और उस वो जो है वो निजात तक नहीं पहुंच सका, एनकाउंटर तक नहीं पहुंच सका। चरवाहों ने क्या किया है? चरवाहों ने जैसे ही उन्हें खबर मिली है दे डिसाइडेड बाय देम ओन सेल्फ कि हम वहां जाएंगे। हर वो शख्स जिस तक खुदा का कलाम पहुंचता है, हर वो शख्स जो पैगाम सुनता है, हर वो शख्स जिस तक मनादी की जाती है, हर वो शख्स जिसके अपने अंदर खुदा की भूख और प्यास होती है, हर वो शख्स जिसके पास इल्म मौजूद है और वो उसका फायदा उठाना चाहता है, उसके पास एक मौका जरूर होता है कि वो उसका फायदा उठाए। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है, चरवाहों ने डिसाइड किया और वो वहाँ पे चले गए। तीसरी बात जो हमें इसमें सबमिसिवनेस के बाद नजर आती है वो एनकाउंटर है। जब जब आप तक खुदा का कलाम पहुंचता है आपको खुदा से एनकाउंटर की जरूरत होती है। तीसरी बात जो हमें इसमें नजर आती है वो एनकाउंटर है। जब हम तक मनादी की जाती है, जब हम कलाम तक पहुंचते हैं, कलाम हम तक पहुंचता है और जब हम उसको सीखते हैं सुनते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमारा पर्सनल एनकाउंटर खुदा के साथ हो। आमीन। पूरी बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं यकूब इसराइल कब बना, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कब हुई है, पर्सनल एनकाउंटर के बाद। मूसा जिसके अंदर का खौफ बनी इसराइल की क़ियादत के लिए जो है वो उसको कभी भी आगे नहीं आने दे पा रहा था, वो
खुदा के साथ जलती झाड़ी में पर्सनल एनकाउंटर के बाद वाह कयादत करने वाला मूसा बन गया, लीडर बना है, लीडर बना है। और उसके बाद हम जोशुआ को देखते हैं, यशुआ, खुदा के साथ पर्सनल एनकाउंटर, नतीजा लीडर, सुपर नेचुरल का बहुत बड़ा फ्लो उसकी जिंदगी में हम देखते हैं। आप देखें दुआ क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि सूरज और चांद को रुकने का हुक्म दे रहा है जी। और आप देखते हैं यहाँ पे हम ये भी देख, जब आपका खुदा के साथ पर्सनल एनकाउंटर होता है तो आप सबसे पहले खुदा को राइट अंडरस्टैंड करते हैं। आमीन। आज बहुत सारे लोग खुदा को जो है वो मिसअंडरस्टैंड करके बैठे हुए, खुदा की पर्सनैलिटी को मिसअंडरस्टैंड कर, खुदा आपको मार देगा, खुदा आपको सजा देगा। नो सर, बाइबल इज ऑल अबाउट द लविंग हार्ट ऑफ फादर। आमीन। खुदा बाप के साथ आपका पर्सनल एनकाउंटर, जैसे यशुआ की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए दुआ क्या कर रहा है। अगर टेक्निकली देखे तो दुआ ही गलत है। वो ये कह रहे हैं ऐ सूरज रुक जा, चांद थम जा, रुक जा। अब देखें साइंस तो हमें ये बताती है कि सूरज तो घूमता ही नहीं है कहीं, सूरज तो अपनी जगह पर स्टिल है। सोलर सिस्टम में तो जमीन और चांद गर्दश कर रहे हैं, जबकि वो जो ऑर्डर कर रहा है वो तो ऑर्डर कर रहा है उन सूरज की गर्दश रुकने का। अगर टेक्निकली या साइंटिफिकली देखे तो ये प्रेयर ही गलत है। लेकिन हमें ये जानना है कि हमारा बाप, आसमानी बाप, जो कुछ हम कह रहे होते हैं वो जानता है कि हमारी इंटेंशंस क्या है, वो इस बात से वाकिफ है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उस वक्त क्या सूरत हाल हुई, जैसे ही उसने हुक्म दिया वो सब कुछ रुक गया, सब कुछ थम गया और स्टक हो गया। और उसका नतीजा हम देखते हैं, साइंस आज साबित करती है, ये जो 365 और 66 वाला मामला आज भी कैलेंडरों में आपको नजर आता है, ये उसी दौर का है, उस वक्त जब रोक दिया गया सिस्टम, रोक दिया। उसने दुआ की रुक जाओ, असल में हुआ ये कि ये सारी की सारी जो गर्दश थी वो सारी की सारी रुक गई। जबकि ये सारी की सारी सिचुएशन हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है कि किस तरह से खुदा ने अपने बंदा के उस पर्सनल एनकाउंटर को जो है वो रिस्पॉन्ड किया, ये रिस्पॉन्स जो है वो। और चरवाहों को आप गौर करें, जैसे ही वो वहां पे गए हैं उनकी सबमिसिवनेस उनको पर्सनल एनकाउंटर तक लेके आई। खुदा जब तक आप खुद उसके सामने नहीं जाएंगे आप उसकी पर्सनल एनकाउंटर का तजर्बा नहीं करेंगे। मूसा को खुद झाड़ी तक जाना पड़ा, यशुआ को खुद कलाम का इस्तेमाल करके उस एनकाउंटर का तजर्बा करना पड़ा। और आज मैं और आप भी चरनी के उस पैगाम तक पहुंच के चरवाहों से उस तमाम की तमाम पुरफजल बातों को लेकर, मरियम की उन सब बातों को, मरियम ने कैसे उस पर्सनल एनकाउंटर का एक्सपीरियंस किया, उन बातों को दिल में रखकर गौर करती है। गौर कर, और जैसे आप गौर करते हैं इसको, ये मेडिटेशन है, आपने वो इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये पर्सनल मेडिटेशन, जब आप कलाम पे गौर करेंगे आपके अंदर साइलेंस आएगा। और जब आपके अंदर खामोशी आएगी, आपने कभी खामोशी की आवाज़ सुनी है, आपके अंदर से जो आपकी शख्सियत आपके इनर को बताती है, हर शख्स की जो असल रूहानी ज़िंदगी है ना, कोई जानना चाहता है कि उसकी असल रूहानी ज़िंदगी, वो अपनी तन्हाई की ज़िंदगी पे गौर करे, क्या देखता है, क्या सोचता है, किसके बारे में सोचता है, कितना सोचता है, क्यों कर सोचता है, किस हद तक सोचता है। और जब आप कलाम पे मेडिटेट करते हैं तो आप बराह रास्त कलाम के ज़ेर असर रहते हैं और कलाम आपकी ज़िंदगी पर डोमिनेट कर जाता है और वही कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा होता है और लोग जानते हैं कि आप तक सलामती और फजल का पैगाम पहुंचा जो मुकद्दसा माँ के पास। आमीन, आमीन। और आखिर में इस बात को और एक क्लियर करते चले जाएंगे, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, लास्ट पे आपने बात की एनकाउंटर की, हम मुकद्दसा मरियम को देखते हैं और मुकद्दसा मरियम ने कोई फरिश्ते के साथ ज़्यादा बहस नहीं की जी। जब फरिश्ते ने यह कलाम किया है कि तू मुबारक है, तुझ पर फजल हुआ है, तू औरतों में से मुबारक है, खुदा का रूह तुझ पर साया डालेगा, ये सारी बातें फरिश्ता कर रहा है, और आखिर में मुकद्दसा मरियम एक बात करती है कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। और यानी कि यहाँ पे साबित होता है कि मुकद्दसा मरियम ने उस कलाम को जो खुदा ने फरिश्ता के वसीला से किया है उसे कबूल कर लिया, उसे ऑनर दिया, उसको कबूल कर लिया है।
और जब उसने कबूल किया उसके बाद जो सारा प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। और आज हम बात कर रहे हैं आज खुदा के कलाम को सुनकर उसको ऑनर देने की, खुदा के कलाम को सुनकर उसको कबूल करने की। यहाँ पर गडरियों को देखते हैं, गलाबानों को देखते हैं, जो गलाबान थे उनको देखते हैं। उन्होंने फरिश्तों का पैगाम सुनकर, वक्ती तौर पर मैं इस बात को सोचता हूँ कि वो हैरान तो हुए होंगे, लेकिन उन्होंने उस कलाम को कबूल कर लिया है। आमीन। और आपस में कहते क्या है कि चलो उसको चलकर देखते हैं, और अगर वो उसको कबूल ना करते कहते ये पता नहीं कौन सी वाह आ गई ऐसे हमें आपको ये आके हम अपने गला को क्यों छोड़कर इतना सफर करके क्यों जाएं। लेकिन उन्होंने भी खुदा के कलाम की ऑनर की है। उधर यूसुफ के साथ ये कलाम खुदा करता है, ख्वाब में बोलता है कि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है, वो जागा है और उसने भी खुदा के कलाम की ऑनर की है। और सर यहाँ पे मैं आपकी बात में ऐड करता चला जाऊं कि सर ये जो मरियम है उसके जहन में सवाल आए हैं, उसने कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। आप तक जब खुदा का कलाम पहुंचता है तो आपके जहन में सवाल आ सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखें कि सुपर नेचुरल खुदा आपको आपकी आपके क्वेश्चन पे भी रिस्पॉन्ड करेगा। वंडरफुल। उसने कहा ये इस तरह से होगा और फिर उसके बाद उसने कबूल किया। कबूल किया। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज आपने इस कलाम के वसीला से, बाइबल की खूबसूरत बातों के वसीला से आपने बरकत पाई है। तो मेरे जीजो यहाँ पर वक्त है कि हम सब मिलकर आपके लिए बरकत की दुआ करें और हमें खुदा ये फजल दे कि हम उसके कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाले बने। तो आए अपने सरों को झुकाते हैं, हम दुआ करते हैं। लश्करों के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कलाम की इन खूबसूरत बातों के लिए जो तूने अपने लोगों के वसीला से हम सब तक पहुंचाई हैं। हमें फजल दे कि हम इन पर अमल कर सकें, और ऐ खुदा हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान में बसने वालों की सलामती चाहते हैं और तमाम अदारों के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए सलामती चाहते हैं, तेरे लोगों के लिए, तेरे खादमीन के लिए भी बरकत की दुआ करते हैं मसीह खुदा यस्सु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर साहब थैंक यू वेरी मच, पास्टर एलन साहब आपके आने के लिए, और पास्टर अजहर साहब आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, डॉक्टर साहब आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और हम तह दिल से आपके शुक्रगुजार हैं आप लोगों ने वक्त दिया है, खुदा आप सबके साथ हो। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आज क्रिसमस की ग्रीटिंग जो है अपनी चर्च अपनी फैमिली की तरफ से कलीसिया को दे दीजिए। मसीह में आप सबकी सलामती हो, मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरे चर्च बिब्लिकल फेथ चर्च मरियम कॉलोनी लाहौर कैंट की जानब से तमाम प्रेज टीवी के व्यूअर्स को, पास्टर शहजाद सिद्दीक के ख़ानदान को और प्रेज टीवी की सारी मैनेजमेंट को, सारी टीम को मेरी तरफ से एक बार फिर क्रिसमस की डेरों डेरों खुशियां मुबारक और नया साल मुबारक हो। थैंक यू सो मच। जी पास्टर अजहर साहब थैंक यू सो मच मेरी जानब से और मेरे घराने की जानब से और वॉइस ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज की जानब से तमाम मोमिनीन को बहुत ज़्यादा क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब जरूर आप भी शेयर कीजिए ग्रीटिंग्स। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से और डिवीजन चर्च की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन खुदा आप सबके साथ हो एक बार फिर, मेरी तरफ से, हमारी सारी फैमिली की तरफ से और हमारी सारी टीम की तरफ से और प्रेस टीवी की सारी टीम और चर्च की टीम की तरफ से आप सबों को क्रिसमस और आने वाला साल जो है बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेस टीवी। आमीन। Your Miracle Day.